हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरे नाम है फारूक और आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, आज आप सभी लोगों को सब शेयर करेंगे कि कैसे एंटॉर्क को ड्रम ब्रेक को एडजस्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये है हमारी फ्रंट का डिस्क ब्रेक की लीवर। तो डिस्क ब्रेक जो होती है वो ऑटोमेटिक ही एडजस्ट होती है जब वो घस जाती है। डिस्क पैड की ऑटोमेटिक वो एडजस्ट ले लेती है। ये हमारी नीचे का पार्ट जो डिस्क ब्रेक की क्लैपर बोलती है, जो कुछ बोलती है, और यहाँ पे ब्रेक रहती है डिस्क ब्रेक। तो हम लोग ड्रम ब्रेक को एडजस्ट करेंगे। तो वैसे ये है हमारी पीछे का लीवर ब्रेक, ड्रम ब्रेक की लीवर है, पूरा घस चुकी है। हमारी पीछे का जो शू बोलती है उसको ड्रम ब्रेक के अंदर रहते हैं, तो उसको हम लोग टाइट करेंगे और दिखाएंगे आप लोगों को कैसे करते हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखना। तो ये है हमारे पीछे का पार्ट बाइक की, एक शू रहते हैं ड्रम ब्रेक, और ये जो लीवर हम लोग खींच रहे हैं इसको सामने की तरफ खींचेंगे तो ये ब्रेक लग जाती है, और नीचे की तरफ जो नट है वो राइट साइड की तरफ टाइट करेंगे तो वो ये टाइट होती है। आप लोगों को एक नोज प्लस की ज़रूरत है और एक 10 और 12 की रेंज की ज़रूरत है। तो हम लोग जो नोज प्लस लेंगे उस स्प्रिंग हटा के उसके अंदर की तरफ अच्छे से कस कर रखेंगे, नहीं तो ये पूरा घुर सकती है। और हम लोग जो रेंच लिया हूँ उसके साथ इसको राइट की तरफ टाइट करेंगे। तो आप लोगों के हिसाब से आप लोग टाइट करना, कितना टाइट करने से आप लोगों का ब्रेक अच्छा लगता है वो देख के। हम लोग पूरा टाइट कर दे रहा हूँ, हमारी पूरा ब्रेक घस चुकी है उसी लिए। तो आप लोगों का हिसाब से टाइट कर सकते हो। ये पूरा सिंपल सा प्रोसेस है, आप लोग वो एक घर में ही कर सकते हो। हम लोगों का मन में आया ऐसा वीडियो बनाने का, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया आप लोगों का हेल्प के लिए। तो ऐसे ऐसे ही मोटिवेशन रिलेटेड हम लोग इसके ऊपर बहुत वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो हमारी चैनल के ऊपर। तो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हमारी पूरा ब्रेक का एडजस्ट हो चुकी है, तो आप लोग घर में ट्राई कर सकते हो कुछ इमरजेंसी पर्पस के लिए। नहीं तो आप लोग कोई भी मैकेनिक का सब चले जाना। हमारी ब्रेक एडजस्ट हो गई, अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय।